भाजपा बिहार प्रदेश की महिला मोर्चा प्रवक्ता सह सक्कड़ी पंचायत के मुखिया श्वेता सिंह शहीद चंदन के परिजनों से मिलने पहुंची। भाजपा नेत्री श्वेता सिंह ने कहा कि जब भी शहीद के परिवार की कोई जरूरत हो मैं उनके साथ हूं। उन्होंने कहा कि देश के लिए इनकी कुर्बानी कभी बर्बाद नहीं जाएगी और हमें चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना होगा। हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन को हराना है तो उसकी अंदरूनी ताकत को हराना होगा, तभी हम चीन को आर्थिक स्थिति से कमजोर करके उसे हरा सकते हैं। उनका जैसा काम बहुत कम लोग करता है जो काम करके गए हैं अपना देश के लिए। सबसे माँ का जो ऐसा पुत्र जो होगा पैदा देंगे, लेकिन रहुआ जैसे महान बनना आसान नहीं थी। ये जैसे निकलते बन जाओ जी। बोली 1900 हमेशा रहुआ के साथ ही रहा, जब जरूरत पड़ी हमेशा जब आगे आगे कोई दिक्कत नहीं। चैनल बड़ा सबकी चैनल बड़ा जी जी अच्छा मैं आई। क्या कहा आपने, क्या संतावना दिया? मैंने यही कहा कि ये तो दुखी घड़ी, हम लोग सबको ही साथ है जब भी जरूरत हो। मेरे गांव की बिटिया यहाँ, इनकी बड़ी सबसे छोटी बहू है, उनके बाद ही हमारे शहीद चंदन जी थे जिन्होंने वीर गति प्राप्त की। मैंने ये कहा जब भी जो भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं हमेशा साथ हूँ, पूरा देश साथ है, पूरा समाज साथ है। इसलिए ऐसा ऐसा सौभाग्य इनके जैसे महान माता का महान पुत्र बिरले ही होता है। इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, अपने देश के लिए जवान गवाई है, लेकिन पूरी दुनिया में आज सब कोई इनके घर तक पहुँच रहा है, चाहे वो हमारे उप मुख्यमंत्री हों यहाँ जा यहाँ के नेता लोग हों। लेकिन हम लोग को एक असीम मतलब कि श्रद्धांजलि जो हम देना चाह रहे हैं वो हम लोग दिल से दे रहे हैं। ऐसे ऐसे वीर सपूतों को बड़े भाग्यवान माँ का कोख होता है जो मिलता है। जिस तरीके से चीन ने हमला किया भारतीय सेना के ऊपर और भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई किया, चीन को ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं लगातार, तो क्या चीनी सामान का बहिष्कार करने से चीन का विरोध हो जाएगा? एक तो जरूर होगा, विरोध होगा, क्योंकि उसकी आर्थिक जो स्थिति है काफ़ी उसने उन्नत कर ली अपने सामान को बेच बेच कर। चाहे हमारी होली हो तो हमारा गुलाल भी चीनी होता है, दिवाली हो तो हमारा बल्ब भी चीनी होता है। तो इस सब को छोड़ के हमारे अपने देश की जो निर्मित सामान है उसको ही प्रयोग में करना चाहिए। साथ में मैं उन बड़े बड़े एक डायरेक्टर और फिल्म अभिनेता को भी कहना चाहूँगी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके मोबाइल या इसका, उसको भी वो बंद करें। एक तरह से उनके आर्थिक रीढ़ को तोड़ना हमारा एक बहुत बड़ा मजबूत होगा। साथ में जो हमारा रोड बन रहा है गालवन रोड में, जिसकी वजह से लड़ाई हो, उस रोड को कम्प्लीट किया जाए और हमारे देश के शूरवीर सेना एकदम वहाँ खड़े रहें, किसी से डरे नहीं। आखिर हमारी संप्रभुता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसके रक्षा करने के लिए हम लोग को एकदम साहस दिया, हमारे सेना को साहस दे रखा है। इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं और हम लोग चीन की रीढ़ जरूर तोड़ेंगे।